हेलो सी द क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ लेवल डायग्राम एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर किसका स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर लेट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज इटा व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर तो ट्रांसफॉर्मर क्या होता है आपका इट इज अ डिवाइस इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस

और लो वोल्टेज रेस्पेक्टिवली। दैट मीन्स लो वोल्टेज को किसमें हाई वोल्टेज कन्वर्ट कर सकता है और हाई वोल्टेज को किसमें लो वोल्टेज में कन्वर्ट सकता है इसको हम क्या बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर इट इज ऑफ टू टाइप्स एक आपका होता है कौन सा स्टेप अप और एक आपका होता है स्टेप डाउन स्टेप क्या करता है पोटेंशियल को इंक्रीज कर देता है क्या लो वोल्टेज कन्वर्ट करेगा किसमें हाई में और ये क्या करता है हाई वोल्टेज ये कन्वर्ट कर देगा किसमें लो में तो दीज आर द ट्रांसफॉर्मर तो हमें बताना किसका है हमें बतानी है प्रिंसिपल ऑफ सेटअप स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर सबसे पहले लेते हैं स्टेप अप तो ये क्या कर देता है इट कन्वर्ट्स एसी ऑफ लो वोल्टेज इनटू एसी ऑफ हाई वोल्टेज ये किस प्रिंसिपल वर्क करता है इसका प्रिंसिपल है आपका म्यूचुअल इंडक्शन ये म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करता है दैट इज एन एसी करंट इज फैट इनटू अ कॉइल

एंड इंडमएफ और क्या इंड्यूस कर देता है ई इंड्यूस कर देता है कैसे जब देखते हैं इसको तो ये हमारी क्या है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के लिए है ये हमारी कौन सी कॉल है पहली इसमें कितने टन बनाए हुए हैं सिर्फ तीन और इसकी जो तो दूसरी दूसरी रहेगी इसमें टल्स कैसे होंगे ये अब होगा क्या हम यहां पर एक कोर बनाएंगे ये, ये कोर आपकी दोनों के दोनों कोयल से होके गुजरेगी मा इसे इसे कौन सी कोयल बोलते हैं प्राइमरी इसे कौन सी बोलेंगे सेकेंडरी हम यहाँ पे क्या देंगे इनपुट सपोज हमने यहां इनपुट दिया वन उस इनपुट वी वन की वजह से करंट कितना आया आई वन तो इसमें आपको पता है फ्लक्स भी बनेगा बन तो इसमें जीरो रखे तो वही फ्लक्स इसमें लिंक हो जाएगा कितना फाइव टू और दोनों आपस में कैसे होंगे इक्वल तो यहाँ वोल्टेज जो वो आउटपुट में आपको मिलेगा वो होगा मान लिया एन टू हो गया कौन सा हो गया एन टू यहाँ करेंट कितना आ गया हमारा आई टू आ गया तो सिंपली दिस इज तो इंड्यूस डी एम एफ प्राइमरी कॉइल तो इस प्राइमरी कॉल में इंडियो कितना डी टी ये भी किसका माइनस का कौन सी लॉ से बाई लेंस लो और अगर मैं इंड्यूस डीएमएफ सेकेंडरी की बात करू इंड डीएमएफ इन सेकेंडरी तो सेकेंडरी का इंड्यूसम आ जाएगा कितना वी टू इज इक्व टू माइनस का एन टू और क्योंकि यही फ्लक्स सेकेंडरी से लिंक होगा तो डी फाइव वी ओवर डी टी ये आ गया आपका वी टू अब आपको पता है इसमें एक सेल्फम प्रोड्यूस होगा जो कि मान लिया हमारा किसका किसके इक्वल है वीडेस के लेकिन ये वीडेस ऑलमोस्ट ना के बराबर क्योंकि इसमें कैसे है कम है इसलिए तो यहां से अगर हम डिवाइड कर हैं दोनों को ऑन डिवाइडिंग v1 upon v2 will be equals टू ये हो जाएगा n1 d5v डी ओवर डी टी डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा एन टू डी फाइव बी ओवर डी टी दोनों आपस में कट जाएंगे माइनस से माइनस कट जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा वी वन अपन बी टू इज इक्व टू एन वन अपन एन टू यही हमारा क्या है वर्किंग प्रिंसिपल है किसका इस ट्रांसफॉर्मर का क्यों अगर आप चाहते हो कि स्टेप यहाँ से वी टू ये आउटपुट है ना तो यहाँ से वी टू अगर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा एन टू अपन एन वन ये हो जाएगा वी वन तो आपको आउटपुट कैसा मिलेगा ज़्यादा अगर एन टू इज ग्रेटर देन एन वन हो जाएगा है ना इफ एन टू इज ग्रेटर देन एन टू अपॉन एन वन बड़ा हो जाएगा किससे वन से तो एन टू अपॉन एन वन अगर वन से बड़ा हो गया तो ऑटोमेटिकली आपका वी टू विल वन विच इज द कंडीशन ऑफ स्टेप ट्रांसफार्मर यही आपसे पूछा आई होप यू लक